चले जहाँ आप 3 महीने तक वाहन चला सकते हैं, गाड़ी वगैरह चला सकते हैं। रेट और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और आपके पास में I-94 फॉर्म भी होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं तस्लीम, आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो आज के जो ब्लॉग रहेगा, विदेशी यात्रा करने वाले भारतीय ड्राइवर्स के लिए कुछ देशों के बारे में, जहाँ पर आप अपना भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर अपना वाहन चला सकते हैं बिना अंतर्राष्ट्रीय परमिट के। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश में कितने दिन तक की अनुमति मिलती है और कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले बातें करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहाँ पे आपको 1 साल तक की अनुमति मिलती है अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में वाहन चलाने की। यहाँ पर जैसे कि आपका लाइसेंस जो है वैलिड और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और आपके पास में I-94 फॉर्म भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर I-94 फॉर्म जो होता है कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जो यात्रा करने वाले लोगों के प्रवेश और निकास स्थितियों को रिकॉर्ड रखता है। एक्चुअल में इस डॉक्यूमेंट में प्रवेश की स्थिति, वीजा के प्रकार और US में कितने दिन तक की रुकने की अनुमति दी गई होती है। सो सेकंड में आता है मलेशिया, जहाँ आपको इंग्लिश या मलय लैंग्वेज में आपका जो लाइसेंस है होना चाहिए और इसे इशूइंग अथॉरिटी या फिर मलेशिया के भारतीय एम्बेसी द्वारा वेरिफिकेशन किया गया होना चाहिए। अगर नहीं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। सो थर्ड में आता है जर्मन, जहाँ आपको 6 महीने की अनुमति मिलती है और जर्मन अनुवाद के साथ, और वहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर अनुवाद का अर्थ होता है भाषा का ट्रांसलेशन या फिर परिवर्तन, जैसे कि एक भाषा से दूसरी भाषा को बोलना या फिर लिखना। तो फोर्थ में आता है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ 3 महीने तक वाहन चला सकते हैं, मीन्स गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, मीन्स आपको वहाँ पर 3 महीने तक की अनुमति मिलती है अपने जो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की। सो फिफ्थ में आता है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ आपको 1 साल तक की अनुमति मिलती है और यह देश हमारे भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को मानती है। सो सिक्स में आता है न्यूजीलैंड, जहाँ पर आपको 1 साल तक की अनुमति मिलती है अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि वहाँ पर वाहन चलाने के लिए। पर हाँ, जैसे कि वहाँ पर वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, सो जैसे कि आपको 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और आपका जो लाइसेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर नहीं तो आपके पास न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा दिया गया एक ऑथराइज ट्रांसलेशन, यानी कि एक अनुवादित कॉपी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका लाइसेंस किसी और भाषा में, तो आपको उसको चेंज करके इंग्लिश लैंग्वेज में करवाना होगा, और दूसरी वजह से कि न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा ऑथराइज ट्रांसलेशन कॉपी भी लेनी होगी, जो न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा मानी गई हो। सो सेवेंथ में आता है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे आपको 1 साल तक की अनुमति मिलती है भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए, वाहन चलाने के लिए। बट हाँ, जैसे कि जिस समय आप वाहन चलाएंगे उस समय आपका जो लाइसेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और 8 में आता है साउथ अफ्रीका, जहाँ आपको लाइसेंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और जैसे कि आपके लाइसेंस में तस्वीर और हस्ताक्षर होना चाहिए। और 9th में आता है स्वीडन, जहाँ आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे 1 साल तक की अनुमति मिलती है पर कुछ लैंग्वेज पर, जैसे कि इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच या नॉर्वेगन। और इसके अलावा आपके साथ में जैसे कि मान्य या एक्सेप्टेड ID भी होनी चाहिए। सो 10th में आता है सिंगापुर, जहाँ आपको 1 साल तक की अनुमति मिलती है मेरे भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल करने के, यानी कि वहाँ पर आपको वाहन चलाने की 1 साल तक की अनुमति मिलती है। बट जैसे कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और 11 में आता है हांगकांग, हांगकांग में भी 1 साल तक की अनुमति मिलती है, जैसे कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहन चला सकते हैं, और वहाँ पे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट किया जाता है। और 12 में आता है स्पेन, जहाँ आपको 6 महीने तक की अनुमति मिलती है अगर रजिस्टर करवाया गया हो, मीन्स आपका जो लाइसेंस है वो स्पेन में रजिस्टर करवाना होगा, और आपका लाइसेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और जैसे कि आपके पास में एक मान्य ID प्रूफ भी आपको दिखाना होगा। तो 13th में आता है कनाडा, जहाँ आपको 7 दिन तक की अनुमति मिलती है भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए, वाहन चलाने के लिए, जैसे कि और जैसे कि उसके बाद में आपको कनाडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेनी पड़ेगी। सो ये थे कुछ देश जहाँ आप अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर वाहन चला सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और जैसे कि वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिए, जो कि मैं खुद को बेहतर बना सकूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।